यहाँ पे एक लूप टाइप का है ना, इस तरह से ट्रैक बना है, सर्कुलर ट्रैक बना है, और उस सर्कुलर ट्रैक में बॉल को भेज रहे हैं, है ना, इस तरह से बॉल को भेज रहे हैं। तो बॉल ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रिंग कोई नहीं है, बॉल सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी, इस तरह से बॉल रोटेट कर रही है। अच्छा, यहाँ पे रोका नहीं है बॉल को, ये सर्कल के कांटेक्ट में, यहाँ पे रुकेगी नहीं बॉल, ये समझाने के लिए रोका थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे बॉल चल रही है, बॉल की कुछ वेलोसिटी, क्योंकि रुकेगी तो नीचे गिर जाएगी, तो बॉल की कुछ वेलोसिटी है। नाउ यहाँ पे सपोज करो बॉल का मास 4 kg ले लेते हैं, बॉल की वेलोसिटी यहाँ पर इधर होगी, नई वेलोसिटी होगी तो गिर जाएगी, बॉल की वेलोसिटी 8 m/s इधर है, और ये जो इस पॉइंट पे ये सरफेस बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगी, ठीक है, जस्ट सी दिस, इसका वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। पहले हम वेट दिखा देते हैं, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, FG, और सरफेस इसको अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड प्रेस कर रही है। तो बहुत ध्यान से देखोगे, सरफेस इसको डाउनवर्ड प्रेस कर रही है, तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कोई भी फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर नहीं लग रहा है, ध्यान रखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर वही नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दोनों सेंटर की तरफ है इसलिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर कोई फोर्स नहीं, और दोनों मिलके सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेंगे, कोई भी छोड़ोगे नहीं, जो फोर्स सेंटर की तरफ है या सेंटर से अवे है वो सारे के सारे जो है सेंट्रीपेटल फोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स का फॉर्मूला लिखा है वो सेंट्रीपेटल फोर्स का लिखा है। तो दिस विल बी टोटल AC इज इक्वल टू V² / R, सेम प्रोसीजर, नेट फोर्स इज इक्वल टू FN प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, जस्ट पुट FN नॉर्मल रिएक्शन प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, जस्ट इट इज, तो प्लस नॉर्मल रिएक्शन प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी MV² / R - mg। तो इसको पुट कर सकते हो M4V² / 8² अपॉन रेडियस की वैल्यू 2 है ना, दे रखा है इसमें, माइनस MG, M की वैल्यू 4 ले ली और G की वैल्यू 10, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 88 N आ जाएगी, वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ऐसे निकाल ली इसमें। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, नॉर्मल फोर्स ज्यादा ही पूछते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट, ये बॉल सर इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बॉल जा रही है तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो नीचे गिर जाएगी, ये कैसा होगा? ये बहुत नॉन प्रैक्टिकल नॉन एक्सपीरियंस वाला सवाल है, करके देखो, नहीं नीचे गिरती है, वेलोसिटी की वैल्यू मतलब, हाँ एक सेकेंड, इसमें ये भी रहता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस तरह के केसेस हम एनर्जी कंसेप्ट के बिना नहीं ले सकते, है ना, वो केसेस आएंगे, ये सही सवाल पूछा है, वो केसेस आएंगे उस तरह के कंसेप्ट में एनर्जी कि कहाँ पर ये इसको लीव करेगा नहीं लीव करेगा। फिलहाल ये मान के चलते हैं कि कहीं भी लीव नहीं कर रहा है ना, फिलहाल खाली, क्योंकि जितने कंसेप्ट हमने सीखे हैं उससे हम सिर्फ पार्टिकल कहीं भी लीक ना करे उसको टैकल कर सकते हैं, फिर आगे स्पेशली वर्क पावर एनर्जी में, क्योंकि आगे एनालिसिस के लिए हमें एनर्जी कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, बिना एनर्जी कंसेप्ट के उस तरह का एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। जो बेसिकली ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो अभी कहीं भी, अभी हमको इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये कहीं भी कॉन्टेक्ट लूज ना करे फिलहाल, तो वो केस भी टैकल करेंगे, वो मुश्किल होते हैं थोड़े से। नाउ तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स है वो, यानी ये जो सरफेस है वो उसको डाउनवर्ड प्रेस करेगी 88 N से, ऑब्वियसली ये स्फेयर इस सरफेस को अपवर्ड प्रेस करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, स्फेयर सरफेस को अपवर्ड प्रेस करेगा, और ठीक है, फिर अगेन अभी बॉल इतनी तेज मूव कर रही है कि ये कहीं भी कॉन्टेक्ट नहीं छोड़ रही है, आगे हम कॉन्टेक्ट कहाँ पर छोड़ता है वो सब हम सवाल करेंगे, एग्जैक्टली किस एंगल पर कॉन्टेक्ट छोड़ता है या टॉप मोस्ट पर कॉन्टेक्ट छोड़ता है वो सब बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी उसमें मगर एनर्जी कंसेप्ट किसे के साथ करेंगे। नाउ फिर अगर हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे आ जाए, इस लोकेशन पे, तो इस लोकेशन पे वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो ऑब्वियसली वेट सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं करने वाला इसमें, और सरफेस इसको ऐसे प्रेस कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से होगा इनवर्ड, तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो अब की वेट नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन करेगा, ठीक है, वेट नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन भी वर्क कर सकता है, वो भी हमने कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से नाउ FN नॉर्मल रिएक्शन इज सेंट्रीपेटल फोर्स, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो जस्ट MG को हटा देंगे यहाँ से, MG हटा दिया, तो जस्ट, तो अगर इतनी ही वेलोसिटी रहती है, अगर वेलोसिटी इतनी ही रहती है, वैसे थोड़ी इंक्रीज करेगी रियल सिचुएशन में, हम बाद में बात करेंगे जब, सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा इधर?
कोई नहीं बैलेंस करेगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई नहीं बैलेंस करेगा, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इधर इसके अलॉन्ग मूव करेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में बेसिकली इसमें इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो, यहाँ पे बैलेंस है भी नहीं ना, ये तो चलेगा नीचे, बैलेंस तो तब करेगा जब ये रुका हुआ हो, तो वर्टिकली ये रुका ही नहीं रहेगा, नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो इधर रुका हुआ था। एक्चुअली में बैलेंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही करना पड़ता है, ठीक है, बैलेंस करोगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर, और यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर तो कौन सा फोर्स लग रहा है, यानी यहाँ पर बैलेंस भी नहीं करोगे, यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ आएगा, तो इसमें सरफेस के परपेंडिकुलर जो नेट फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर बैलेंस कहीं भी नहीं होगा, कहीं भी ये रेस्ट पे नहीं है। हाँ, टेबल वाला केस डिफरेंट था, उसमें वर्टिकली बैलेंस हो रहा था, तो जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उस प्लेन में कहीं भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ आएगा तो बैलेंस करने का सवाल नहीं पैदा होगा। खैर, ये सिचुएशन हो गई, तो ये सिचुएशन हमने टैकल कर ली, बॉटम पे भी टैकल करेंगे, अभी और भी एग्जांपल्स लेंगे बहुत सारे, अभी इसमें प्रेजेंटेशन में जितना है वो ले लेते हैं।